नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का मास्टरमाइंड विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। आपको बता दें कि कल उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद एसटीएफ की टीम उसे कानपुर लेके आ रही थी, तभी विकास दुबे भागने की कोशिश की और जिस दौरान उसका एनकाउंटर कर दिया गया। देखिए, कानपुर के बिकरू गांव में सीओ सहित 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले 5 लाख का इनामी विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया। एसटीएफ गाड़ी उसे कानपुर ला ही रही थी, इस दौरान गाड़ी पलट गई। उसने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। कल ही विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया गया था। वारदात के बाद से फरार विकास यूपी, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश पुलिस को चकमा देकर दर्शन करने मंदिर पहुंचा था। गिरफ्तारी के बाद विकास से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। इसके बाद उसे मध्य प्रदेश पुलिस ने यूपी एसटीएफ को सौंप दिया था। विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। इसी के साथ रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। कई लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी, पर अनेकों सवाल छूट गए। उन्होंने पूछा, अगर उसे भागना ही था तो उज्जैन में सरेंडर ही क्यों किया? उस अपराधी के पास क्या राज थे जो सत्ता शासन से गठजोड़ को उजागर करते? पिछले 10 दिनों की कॉल डिटेल्स जारी क्यों नहीं? और साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिसका शक था वो हो गया। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों से, पुलिस व अन्य शासकीय अधिकारियों से उसका संपर्क था, अब उजागर नहीं हो पाएगा। पिछले 3 से 4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक समान क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, HBN News।